हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज देखिए, वर्धमान और ह्रसमान एक टॉपिक बता रहे हैं। आज इसको जरा समझिए क्या चीज़ होता है वर्धमान ह्रसमान, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ये नाम से ही आपको क्लियर होगा कि क्या कह रहा है। कि अगर सपोज कर लीजिए कोई फलन दिया हुआ है, वाई बराबर हम ले लेते हैं एफ एक्स, वाई इक्वल टू एफ एक्स ले लें, तो y जो है वो x स्क्वायर के इक्वल है। x स्क्वायर ये आप जानते हैं ये परवलय का समीकरण है। तो अगर हम ये देखिए, इसका मूल बिंदु है x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस है। अगर हम इस तरह से आते, देखिए इस तरह से, फिर ये फंग ऐसे चला जाता है। ये देखिए, ये इसका फिगर है। आई बात समझ में? तो यहाँ से देखिए क्या कर रहा है, यह नीचे की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यह जो ग्राफ है यह कहाँ रहा है, यह नीचे की तरफ आ रहा है। आई बात समझ में? तो ये ह्रासमान हो गया और यहाँ मूल बिंदु से क्या हो रहा है, फिर उठ रहा है, उठ रहा है। तो ये क्या हुआ, ह्रासमान हो गया, ह्रास हो रहा है, कम हो रहा है। आई बात समझ में? जैसे x का मान बढ़ा है तो y का मान घट रहा है, उल्टा काम होता है। यहाँ पे क्या है, x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा है। यहाँ देखिए, तो ये क्या है, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसको हम ह्रासमान बोलेंगे, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम वर्धमान। समझ में बात आ गई, ये चीज़ है ये ह्रासमान। आप फिगर से ही यह क्लियर हो जाएगा कि आप फिगर देख करके बता देंगे ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी x का मान यहाँ देखिए बड़ा होगा, फिर y का मान घटते जाएगा, y का मान घटते जाएगा। तो इस तरह के जो ग्राफ आते हैं उसे क्या कहेंगे हम, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन या वर्धमान फलन। ओके, अब देखिए यह हो गया। अब इस पे परिभाषा क्या दिया हुआ है, परिभाषा यहाँ ध्यान से देखें क्या लिखा है। कि मान लीजिए वास्तविक मान f, फलन f के प्रांत i एक अंतराल है और f में पहला क्या होगा, अंतराल i में वर्धमान i में एक्स वन लेस देन एक्स टू या एक्स वन ग्रेटर देन एक्स टू है, तो f x दोनों इसका फलन ले लेते हैं तो भी यही कंडीशन होना चाहिए। माने एक्स टू बड़ा होना चाहिए, एक्स वन क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। तो यहाँ भी एफ एक्स वन लेस देन और ग्रेटर क्या होगा, एफ एक्स टू, ये बड़ा होगा ये छोटा होगा। सभी एक्स वन एक्स टू एलिमेंट ऑफ या बिलोंग्स टू आई के लिए है। आई बात समझ में? दूसरा है अंतराल, अगर इसको ये वर्धमान के लिए है और दूसरा ह्रासमान के लिए, अगर हम मानते हैं एक्स टू ग्रेटर देन है, लेकिन जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वन ग्रेटर आ जाएगा। देखो यहाँ एक्स वन आ जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा, यह इसका मतलब ये हुआ कि इसका उल्टा होना, मतलब माने हैं एक्स टू बड़ा है लेकिन यहाँ क्या हो जाए, एक्स वन बड़ा हो जाए। देखिए यहाँ एक्स वन बड़ा हो जाए तो ये क्या कहलाएगा, इस तरह का ह्रासमान कहलाएगा। ओके, ये चीज़ हो गया। और तीसरा कंडीशन ये है, अंतराल आई में अचर है यदि एफ एक्स इक्वल टू सी कांस्टेंट है, जहाँ सी एक अचर है। इन फलनों का ग्राफ देख लीजिए। आई बात समझ में? देखिए ग्राफ, पहला क्या ग्राफ दिया हुआ है, पहला वर्धमान फलन दिया हुआ है। देखिए एक्स का मान कंटिन्यूस बढ़ते जा रहा है। आई बात समझ में? इस तरह के फंक्शन को क्या बोलते हैं हम, वर्धमान फलन या इंक्रीजिंग फंक्शन। देखिए बढ़ रहा है एक्स के, दूसरा चीज़ होता है नहीं बढ़ रहा न घट रहा है, स्टिक मतलब क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो इस तरह के फलन को क्या बोलते हैं हम, अचर फलन कहते हैं। ओके, और यहाँ देखिए तीसरा फिगर जो दिया हुआ है, ये इसका मान क्या हो रहा है, घट रहा है, निरंतर ह्रासमान हो रहा है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, ये निरंतर ह्रासमान फलन। तो नंबर पहला क्या है, वर्धमान फलन, ए एक्स का मान वाई का, यह देखिए फिगर ही देख करके पता चल जाएगा, ये देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, ये कांस्टेंट है, न बढ़ रहा है न घट रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अचर फलन। यहाँ पे देखिए क्या है,
निरंतर घट रहा है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ओके, अभी यह देख लीजिए नंबर, अगला परिभाषा क्या दिया, अभी क्वेश्चन बताएंगे तो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। अभी बात समझ में, मान लिया कि वास्तविक मानों के परिभाषित फलन एफ के प्रांत एक्स जीरो पर वर्धमान और ह्रासमान कहलाता है। एक्स जीरो को निर्दिष्ट बिंदु को ऐसे विवृत अंतराल, यह देखिए विवृत अंतराल आई में एफ क्रमशः वर्धमान और ह्रासमान है। अभी बात समझ में, तो यह इंक्रीजिंग, आप उसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे, अभी क्वेश्चन बताएंगे सब क्लियर होते जाएगा, समझ गए हैं ना। यह देखिए दो तीन ठो प्रमेय दिया हुआ है। प्रमेय नंबर वन, एक क्लोज इंटरवल ए बी में यह वर्धमान है, मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है, यदि एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स का मान अगर पॉजिटिव आता है एक्स, तो ये चीज़ हमको याद रखना है, ये चीज़ है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, अगर ए बी में, यहाँ देखिए नंबर दो लिखा हुआ है, एफ बी दिया है, क्लोज इंटरवल ए बी में एफ ह्रासमान है, यदि प्रत्येक एक्स एल बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश एक्स लेस देन जीरो से क्या है, कम है। दूसरा क्या है, नंबर तीसरा, मतलब ए बी और सी बता दिए, ए वर्धमान के लिए ह्रासमान के लिए, और तीसरा सी ए बी में एफ एक अचर फलन है, तो प्रत्येक एक्स बिलोंग्स टू ए बी के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब यह समझ लें कि क्या चीज़ होता है, कि अगर अगर नंबर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट यहाँ क्लोज इंटरवल ए बी पर, क्लोज इंटरवल ए बी पर हो गया, अगर कोई फलन दिया हुआ है, एफ दिया हुआ है, एफ एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या करें, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर दें, एफ डैश एक्स ग्रेटर, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो ये क्या होगा, वर्धमान होगा, ठीक है ना। आई एफ डैश एक्स ये क्या होगा, लेस देन जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये ह्रासमान होगा, ठीक है ना। आई एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो होगा तो ना ये वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा, यानी कि ये होगा क्या, अचर फलन हो जाएगा। समझ में बात आ गई, तो यही चीज़ हमको याद रखना, इसी पे एक सर साइज हम बताएंगे, ठीक है ना। हाँ देखिए एक्सरसाइज 2.2, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर, एफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन वर्धमान है। आई बात समझ में, अब इसका सॉल्व देखें तो हम क्या करेंगे, इसका दिया हुआ है क्या, ये एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 17 दिया हुआ है, ये देखिए ये चीज़ दिया हुआ है, तो हम इसका क्या निकाल दें, हम एफ डैश एक्स निकाल दें, एफ डैश एक्स इक्वल टू, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा, एक्स का वन होगा, 3
इंटू डी बाई डी एक्स ए एक्स, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो क्या होगा ये, थ्री इंटू वन इक्वल टू क्या होगा, थ्री हो गया। अब बताइए थ्री, अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, ए ग्रेटर देन जीरो है, और एक्स बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल यहाँ लिख लें, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। तो ये क्या वैल्यू दे रहा है, एफ डैश एक्स कौन सी वैल्यू दे रहा है, ये पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। देखिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, तो जब ये पॉजिटिव वैल्यू होगा तो फलन जो है वो निरंतर वृद्धिमान ये होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। आई बात समझ में, लिखेंगे यहाँ देखिए, प्रदत्त फलन वर्धमान फलन है, यही चीज़ हमको दिखाना है। लिख देंगे अतः अतः प्रदत्त फलन, प्रदत्त फलन क्या है, वर्धमान है, वर्धमान है, प्रदत्त फलन वर्धमान है, बस यही आंसर है। इसको बहुत आसान है, देखिए एफ एक्स लिखा हुआ है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कांस्टेंट है, इसका जीरो आ जाएगा, ये कांस्टेंट का क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो इसका वैल्यू ये डी एक्स का एक होता है देखिए, और ये जीरो लिख दिया थ्री, ये ग्रेटर देन जीरो, ये बड़ा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए दिया हुआ फलन क्या है, ये वर्धमान फलन है, वर्धमान है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए कि आर पर, कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर थ्री एक्स से प्रदत्त फलन, क्या ये भी वर्धमान ही है, वर्धमान है। ओके, तो जान रहे हैं तरीका, सब में एक ही काम करना है, हमको क्या निकालना है, एफ डैश एक्स निकालना है। लिख लेंगे दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर टू एक्स है, ये थ्री एक्स नहीं है, टू एक्स है, ई पे पावर टू एक्स है। आई बात समझ में, तो इसको लिख देंगे एफ डैश एक्स, यानी डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई डी एक्स ई टू दी पावर एक्स का क्या होता है, ई टू दी पावर एक्स होता है, तो ई टू दी पावर टू एक्स है, तो ये टू एक्स का क्या कर देंगे, इंटू टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, ई टू दी पावर टू एक्स, और फिर टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो यहाँ टू लिखते हैं, यानी टू ई टू दी पावर टू एक्स होगा, ए एफ डैश ए एक्स होगा, ए ग्रेटर देन जीरो। ये देखिए दोनों के ए वैल्यू क्या है, ए जीरो से बड़ा है। आई बात समझ में, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, अतः फलन वर्धमान है। आई बात समझ में, तो लिखेंगे अतः प्रदत्त फलन वर्धमान है। समझ में बात आ गई, अगर मान लीजिए ये माइनस में आ जाता तो हरासमान हो जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा क्वेश्चन नंबर तीसरा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, ये देखिए लिखा है, सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स, सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ एक्स इक्वल टू क्या, साइन एक्स से प्रदत्त फलन, से प्रदत्त फलन। अब इसमें कुछ कंडीशन दिया है, नंबर ए, ए कह रहा है जीरो से पाई बाई टू में क्या है, वर्धमान है। ठीक है, बी
दूसरा पार्ट कह रहा है पाई बाई टू से पाई, पाई बाई टू से पाई के बीच में हरासमान है, में हरासमान है, ठीक है। और तीसरा कंडीशन सी दे रहा है जीरो से पाई, जीरो से पाई में न तो वर्धमान है और न ही हरासमान है और न ही हरासमान है। आई बात समझ में? अब इसका सॉल्व देखें। देखिए इसका रेंज दिया हुआ है जीरो से लेकर के पाई बाई टू। जीरो से पाई बाई टू का मतलब क्या होता? फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी वैल्यू क्या देती? पॉजिटिव देती है, इसलिए यह वर्धमान होगा। अब पाई बाई टू से पाई के बीच में यह फलन क्या होगा? निगेटिव देगा, हरासमान होगा। और जीरो से पाई लेकर के न तो फलन हरासमान होगा और न क्या होगा, वर्धमान होगा न हरासमान होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिए एफ एक्स, एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है? साइन एक्स इम्प्लाइज दैट एफ डैश एक्स बराबर क्या लिखेंगे? साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है, ठीक। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिखेंगे कॉस एक्स। अब जो है हमको क्या लिखना है कि इसका जो अंतराल दिया है कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है? जीरो से ले करके और पाई बाई टू के बीच में दिया हुआ है। ओके, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक? जीरो से लेकर के पाई बाई टू के बीच में हमको देखना है। ओके, तो जीरो से पाई बाई टू के बीच में एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये क्या होता है? कॉस एक्स ये होगा ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ा होगा, इसलिए एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो। यही कंडीशन अगर जीरो से बड़ा है तो फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। लिखेंगे या तो जीरो से पाई बाई टू में दिया हुआ फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में, देखिए एक क्वाड्रेंट जो बना होता है इसमें सब वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में आल सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो होता है वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो इसी पर हमको डिसाइड किया है कि जीरो से पाई बाई टू यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस साइन टैन कुछ भी हो सब क्या होता है? सब जो है वो पॉजिटिव वैल्यू देता है, इसलिए फलन क्या होगा? वर्धमान होगा। अब आगे देखिए कहाँ से कहाँ तक? बी पार्ट, इसका बी पार्ट में देखिए, बी पार्ट में लिखा है रेंज, देखिए बी पार्ट का क्या लिखा है? पाई बाई टू से लेकर के पाई में हरासमान है, पाई बाई टू से पाई में क्या है? हरासमान है। पाई बाई टू से लेकर के पाई बाई के बीच में इसका मान क्या है? हरासमान है। यानी कि एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई बाई टू से पाई बाई के बीच में हम वैल्यू रख रहे हैं। तो देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या निकाला गया है? एफ डैश एक्स इक्वल टू कॉस एक्स निकाला गया। ये सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? ये वैल्यू क्या देती है? ये वैल्यू निगेटिव देती है, यानी लेस देन जीरो देती है। जी निगेटिव क्वांटिटी देगी,
इसलिए ये जीरो से क्या होगा, छोटा होगा, तो लिखेंगे एफ डैश एक्स लेस देन जीरो, जीरो से बड़ा है, लिखेंगे अतः फलन एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, साइन एक्स पाई बाई टू से लेकर के पाई में क्या होगा, निरंतर ह्रास मान, निरंतर ह्रास मान है। और सी में ए बी और सी दिया हुआ है, उसमें देखिए सी में हम क्या लिखेंगे, सी में कुछ करना नहीं है, हमने इसको डिसाइड कर दिया है, तो लिखेंगे सी में एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स जीरो से पाई बाई टू में निरंतर क्या है, निरंतर वर्धमान है और कहाँ से कहाँ तक, पाई बाई टू से लेकर के पाई के बीच में निरंतर ह्रासमान है, अतः जीरो से पाई में एफ एक्स न तो वर्धमान होगा और न ही क्या होगा, ह्रासमान। आई बात समझ में, तो ये देखिए ये तीनों क्वेश्चन हो गए कि कैसे इसको हमने सॉल्व किया हुआ है। अब आगे देखिए क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिद्ध कीजिए कि y इक्वल टू लाग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, एक्स ग्रेटर देन माइनस 1 है, अपने संपूर्ण प्रांत में एक वर्धमान फलन है। तो देखिए दिया है, क्या दिया हुआ है कि y इक्वल टू लॉग 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। आई बात समझ में, इसका डिफरेंशिएट कर दें तो हम लिखेंगे dy बाई dx, लॉग x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन x होता है, तो 1 प्लस एक्स हो गया, माइनस इसका देखिए dy dx कैसे निकालते हैं, dy dx 2x अपॉन 2 प्लस एक्स, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की तरह से एक करते हैं, यहाँ देखो लिखेंगे हम 2 प्लस एक्स, dy dx क्या होगा, 2x होगा, यहाँ देखिए 2x माइनस 2x dy dx, यहाँ हो गया 2 है तो इसका हो जाएगा 0 है, इसका x का 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अपॉन टोटल का लिखेंगे 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए इक्वल टू, यहाँ 2 प्लस एक्स होगा, यहाँ देखिए 2 प्लस एक्स, यहाँ एक्स का एक हो जाएगा, यहाँ 2 होगा तो सिर्फ बचेगा 2, माइनस यहाँ देखिए 2x, यहाँ देखिए 2x होगा, और यहाँ 0 है, यहाँ 1, यहाँ पर हमने यहाँ डिफ्रेंशिएट करके लिख दिया है, यहाँ पर लिखा होगा 2 लिखा होगा और यहाँ पे क्या लिखा होगा, एक्स लिखा होगा, ठीक है, तो 2x होगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका एक्स हो गया, तो 0 प्लस 1 हो गया अपॉन 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, इसमें इसका मल्टीप्लाई कर दें तो क्या लिखेंगे, 4 प्लस 2x और माइनस 2x अपॉन यहाँ होगा 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, देखिए 2x कट गया तो होगा 4 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका डिफ्रेंशिएशन, या देखिए क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 4 अपॉन 2 प्लस एक्स का क्या होगा, ये होल स्क्वायर हो गया, ये क्या निकाल दिए हम, dy बाई dx निकाल दीजिए। अब इसको सरल कीजिए, सरल करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स
है यहाँ 2 + x² अब देखिए यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ इसका कर लीजिए, तो लिखेंगे 2 + x² - 4 + 1 x हो गया। यहाँ देखिए 4 + x² + 4x - 4 - 4x, यह देखिए -4 + 4, ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो गए। अपॉन नीचे क्या बचा, 1 + x बचा और 2 + x² बचा। इसी को हम क्या लिखेंगे, अगर फलन मान लेते हैं ये होगा, यह देखिए dy/dx, तो होगा क्या लास्ट में dy/dx बचेगा क्या, यहाँ देखिए x² बचेगा अपॉन 1 + x, और दूसरा क्या होगा 1 + x 2 + x² ये वैल्यू क्या है, ये dy/dx निकाल दिया। अब इसमें ये वर्धमान कह रहा है, तो जब वर्धमान कह रहा है तो लिखेंगे f'x क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो, f'x > 0 किस कंडीशन में, ये वर्धमान जब दिया रहेगा तो ठीक है। अब f'x = हम ले लें 0, तो इसमें f'x क्या, ये पूरा f'x है, तो होगा क्या x² क्या लिखेंगे यहाँ पर, x² अपॉन ये पूरा ये ले लीजिए, ये पूरा 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है वर्धमान के लिए, तो होगा 1 + x और दूसरा होगा 2 + x² होगा। तो पहला यह क्या होगा, इसको ले लीजिए, ये 0 से बड़ा है तो 1 + x > 0, तो क्या होगा, इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो x क्या हो जाएगा, x इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यहाँ पे देखिए -1 होगा, तो लिखेंगे अतः पहला ही फलन लेंगे x > -1 में फलन क्या है, वर्धमान है। आई बात समझ, क्यों यह है > 0। यहाँ देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या लिखा है, सिद्ध कीजिए कि लघुगणकीय फलन 0 से ∞ के बीच में ये वर्धमान फलन देता है। आई बात समझ में, वर्धमान फलन इसका रेंज कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ 0 से लेकर के और कहाँ तक है, यहाँ 0 से लेकर के और इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लिखेंगे, मान लिया कि फलन क्या हुआ है, माना कि f(x) = लघुगणकीय श्रेणी है, तो लिखेंगे log x, तो इसका डिफरेंशिएशन कर दें, तो f'(x) = log x का डिफरेंशिएशन जानते ही हैं, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, और इसका रेंज दिया हुआ है, रेंज कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 0 से लेकर के कहाँ तक, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। और इसमें क्या कह रहा है, इसमें वर्धमान है, यही हमको बताना है, ठीक है ना, 0 से लेकर के और इन्फिनिटी के बीच में, ओके। तो क्या होगा कि हम इसको सबसे पहले डिफरेंशिएट कर देंगे, जैसे सब क्वेश्चन करते आ गए, तो लिखेंगे x = 0 से लेकर के ∞ के बीच में क्या होगा, f'(x) = या > 0 लिख लीजिए, ये 0 से क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा, यानी या इक्वल कर दे तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, मतलब f'(x) का मतलब क्या होगा, ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, अतः दिया हुआ फलन f(x) 0 से ∞ में निरंतर क्या होगा, वृद्धिमान होगा या वर्धमान होगा, लिखेंगे अतः
दिया हुआ फलन, तो दिया हुआ फलन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो है। आई बात समझ में? अतः फलन क्या होगा? फलन वर्द मान होगा। आई बात समझ में? तो इस तरह से हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10।